तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज आप लोगों को हम ले चलते हैं रोज आइलैंड और एक मिनी आइलैंड है। तो आप वीडियो बने रहे और देखते रहे क्योंकि बहुत ही फेमस हो रहा है आपका जो रमांझी प्रखंड में जो आता है आपका मिनी आइलैंड और गितलसूद डैम के जस्ट बगल में आपका है रोज आइलैंड। तो बहुत ही अभी प्रचलित में है और बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आप लोग वीडियो बने रहे और देखते रहे। और रूट ये आपका सिकंदरी जाने वाला रास्ता है। तो सिकंदरी जाने वाला रास्ता में जाने के आपका 10 किलोमीटर आगे आपको मिलेगा एक पेट्रोल टंकी, उसके बाद जस्ट राइट साइड में आपको रास्ता मिलेगा गितलसूद जाने के लिए। गितलसूद से आप डायरेक्ट RTC में भी जा सकते हैं। और ये आपका रहा RTC कॉलेज, RTC इंटर कॉलेज, ये रहा जो बहुत फेमस है, आप देख सकते हो गाइस ये RTC इंटर कॉलेज रहा है। तो आप बस वीडियो बने रहे और इसे आपको राइट टर्न लेना। लेकिन हम लोग को रोज आने जाना है तो उस पहले हम लोग जाएंगे गितलसूद, ये रहा आपका चौंक, यहाँ सब जा सकते हो। हम लोग रोज आने लेंगे, उसके बाद कवर जी भी मिलता है तीनियों ना हरा हरा सब्जी। वाह वाह, पैसे किलो खीरा है 20 पादे लो पैसा। तो आप सब्जी भी ले सकते हो यहाँ पे आपका बारीडी चौक से थोड़ा सा और 20 किलोमीटर गोला बोकारो 80 किलोमीटर हम लोग को लेना है राइट टर्न। राइट टर्न में आपको गितलसूद मिलेगा और ये रहा आपका रूट, देख सकते हो बंदे लोग आ रहे हैं पूरा स्पीड में दबाते हुए आ रहे हैं। ओ भाई, तो देख सकते हो ये रास्ता आपका रहा रूट। बस अब रोज आरण की ओर हम लोग पहुंचने वाले हैं। रास्ता बन गया है, अच्छा है, पहले तो रास्ता नहीं था पर रोज आरण के जैसे ही फेमस में आते हैं रास्ता का भी निर्माण हो चुका है। आप देख सकते हो रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो आप यहाँ सीधे नहीं जाना है, आपको इधर से राइट लेफ्ट टर्न लेना है और आपको पूरी तरह से आपको ले चलते हैं रोज आइलैंड की ओर। रास्ता बन चुका है, फोर व्हीलर भी जा सकता है साइड साइड से, क्या बात है। वो दिखा रोज आइलैंड, इसके बाद सेकंड ब्लॉग होने वाला है आपका मिनी आइलैंड के लिए जो आपका टंटन टोला जो आपका हतवाल में है और मांझी प्रखंड का हतवाल और मांझी प्रखंड का गांव जो आपका है आपका हतवाल गांव वहां पे आपको ले चलेंगे। उससे पहले यहां से समसमा के निकालते हैं गाड़ी को और यहाँ पर बैरिकेड भी लगा दिया है पर हम लोग से पैसा वैसा नहीं लेगा लगता है। आप देख सकते हो दूर दूर से आए हुए बंदे पूरा भाला काम है। ओहो कांच कर इसने गंदा खाली करते नहीं दिक्कत हो जाएगा क्या। देख सकते हो पूरा भीड़ भाड़ वाला हुआ है। बस आओ यहाँ पर गंदा मत करो, खेती बाड़ी करने में बहुत दिक्कत होता है, देख सकते हैं ना आज जायजा ले रहे हैं। वाह कितना बेहतरीन नज़ारा है। ओ देखो कुछ ऐसा शूटिंग ऐसा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं नहाने के लिए भी पूरा मस्त फैसिलिटी और देख ही सकते हैं पूरा। सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो भाई, सब्सक्राइब करने के बोल दो चैनल का नाम। लेकिन एक चीज आप लोग बता दे, आप लोग आते और ज्यादा मरम्मत लेना। और ये देख सकते हैं हमारे माउंटेन रूरू समिति के, बस 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 ये देख लीजिए दोस्तों, ये नज़ारा देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जगह बहुत अच्छा है, उस पूरी तरह से आपका जो सखुआ का गज होता है ना, सखुआ का पेड़ होता है वो पूरी एरिया में पूरा अच्छी तरह से है।
पूरा एरिया में कैप्चर है और जगह बहुत ही बढ़िया है पिकनिक के लिए। अगर आप आते हैं ना तो बहुत अच्छा से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस धूप ज़्यादा मिलेगा। और आते हैं तो जो प्लास्टिक व्लास्टिक इतना गंदा उंदा करके रखा है तो ये सब मत कीजिए। अपना जो सामान लेकर आते हैं उसको अपने साथ ही कीजिए सारा चीज़, और लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सामान वामान और कांच है, स्पेशली कांच उस नहीं चल रहा है, देखो ऐसे ठिकुल लेके जाओ, ऐसे ऐसे लेके जाना, ऐसे मस्त लग रहा है। अच्छा ये फाइनल, तो गाइस फाइनली हम लोग निकलते हैं घर। तो हमारा झारखंड ऐसे भी सुंदर और बहुत अच्छा रहा है, और पेड़ पौधा जगह जंगल झाड़ काफ़ी खूबसूरत लगता है, पर उसको रखने पर डिपेंड करता है। तो सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, लेकिन रास्ता दे सकते हैं भाई, सही बात है, सही राइडर है, कोई दिक्कत नहीं है।